हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे ज्ञान के अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाओ केशव। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। हे कौंते, इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मारी जाती। न हन्यते हन्य माने शरीरे। ऐसा लगता है जैसे कानों में अमृत टपक रहा है। उनके श्रीमुख से निकलने वाला हर एक शब्द हीरे मोतियों में तोलने योग्य है। और श्री कृष्ण ज्ञान का यह भंडार इतनी उदारता से लुटा रहे हैं कि उसे समेटने वालों की झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी सांस में अपने को शिष्य बांधकर मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है, जो अधूरे ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, ना कि अपने गांडिव को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है, जिसकी दोनों पलड़ों में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। इसी दोराहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ।